किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी। आज हम आए हैं रोहटा क्षेत्र में और बहुत ही शानदार किसान है। सबसे पहले किसान भाई का जो है परिचय लेंगे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार बबलू भाई। भैया थोड़ा सा जो अपने किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें अपना छोटा सा परिचय करवा दो। जी मैं आदित्य दहिया, गांव रोहटा, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। तो ये खेत तो वही है जिसकी हमने गड्ढे होते हुए भी वीडियो बनाई थी। हाँ जी, हाँ, रिंग हाँ, पिट से। रिंग पिट से जो आपने पहले वीडियो डाली थी वही है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें भैया कौन कौन से बीज है? इसमें भैया एक तो 38 है। अच्छा। और 35 है, 13235 है। जी जी जी। और छोटे मोटे थोड़े बहुत वो रखे है, जैसे पीबीपी चाण में भी वो रखा थोड़ा सा। अच्छा। और आपका जो है 17231 भी वो रखा। जी जी जी। और भाई यही है जी। और यूपी 0525 भी वो रखा। 5125 भी है। तो जैसा आपने थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताओ, जैसा आपने रिंग पिट से बुआई करी, गड्ढे करे शुरू में, लगभग कितने गड्ढे थे इस पूरे खेत में? कितना खेत है वो? करीब करीब भैया 1 हेक्टेयर का है वो। अच्छा। और इसमें 5000 गड्ढे हैं। 5000 गड्ढे। तो जैसा आपने गड्ढे बनाए, तो किसान भाइयों को थोड़ा सा ये बताओ, सादी विधि ठीक है या जैसा आपने ये गड्ढा बनाई, मेहनत तो इसमें देखो और विधि से के मुकाबले ज्यादा है? देखो रिंग पिट में मेहनत है जी, बुआई में शुरू में मैं आपसे कह लगूं। हाँ हाँ जी। और इसमें मतलब मैं तो यही कहूंगा जी, रिंग पिट से बोलो या ट्रेन से बोलो जी, सादी को कम कर लो, थोड़ा दूरी बढ़ा लो। तो दूरी बढ़ाने से क्या लाभ है? दूरी बढ़ाने से लाभ बहुत है जी। पैक तो पैदा नहीं घटने की बिल्कुल भी, गन्ने अच्छा। की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी जी। दूसरा बीमारी कम आओगी सबसे कम। मतलब बीमारी कम आओगी? बीमारी इसलिए कम आओगी कि दूरी रहेगी तो हवा का वेंटिलेशन अच्छे से होगा। अच्छा। हवा आर पार होगी बढ़िया तरीके से। और दूसरा जो है आपके जो कीटनाशक है या आपका फर्टिलाइजर है, खाद है, वो कुछ कम लगेगा 28 इंच के निस्पत। तो 28 इंच के मुकाबले जो लागत है वो घटेगी? घटेगी। और सही तरीके से लग जाएगा? सही तरीके से, आमदनी में कोई कमी नहीं आने की। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा आदित्य भैया मैं जानकारी लेना चाहूंगा, जैसे किसान भाई बहुत से नए हैं बिल्कुल। हाँ। वो रिंग पिट से बोना चाह रहे हैं। हाँ। अपना मतलब घुमा फिरा के बात यह है, उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं। टोटल यही है कि किसान का उत्पादन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से भाई जो सिंगल लाइन ट्रेंच बो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें क्या पड़ती है कि उपकरण बहुत महंगे हैं। बिल्कुल जी जी। रिंग पिट में मैंने देखा, मुझे लगा आपको एक वो डिगर ही खरीदना पड़ा था। एक जो वो डिगर, रिंग पिट डिगर जिसे बोल रहे हैं, गड्ढे की मशीन, और एक अपना पावर वीडर। पावर वीडर। हाँ, बस ये दो खरीदने दो खरीदने पड़े। तो इसमें क्या चीज का ध्यान ऐसा रखें जो किसान भाई इस विधि से उत्पादन अच्छा ले लें? गड्ढे की चौड़ाई कितनी हो, खूड से खूड की दूरी कितनी हो, गड्ढे से गड्ढे के कितने डिस्टेंस और गहराई कितनी हो? देखो भैया इसमें जो है, यदि आपको सह फसली नहीं लेनी। हाँ जी हाँ जी। सह फसली लेनी तो दूरी पर बोलो किसे भी। अच्छा। जो सह फसली नहीं लेनी तो एक लाइन से दूसरी लाइन का जो सेंटर है, मतलब गड्ढे का गड्ढे से सेंटर जो ठीक है लाइन से लाइन का, वो तो रखो आप 5 फीट। ठीक है। और एक गड्ढे से जो अगला गड्ढा है जी, उसका रखो आप 2 फीट। सेंटर से सेंटर। जो गड्ढे में खूड में ही जो गड्ढा होगा। हाँ, एक सिंगल लाइन में जैसे गड्ढे हैं। हाँ जी। तो एक गड्ढे से अगला गड्ढा जो है ठीक है, वो तो वैसे तो रखो 4 फीट सेंटर से सेंटर। ठीक है। तो वो डिस्टेंस थोड़ा ही रह जाओगे 1.5 फीट। और एक लाइन से जो अगली लाइन है जी, उसका रखो सेंटर से सेंटर 5 फीट। 5 फीट। हाँ। तो जैसे हम उसे गड्ढे की, उसमें मैं आपसे बताऊं, उसमें आपका करीब करीब 843 मीटर वाला बीघा है हमारा। हाँ जी हाँ जी। उसमें आपके 400 ± 10 जी, 410 हो जाओ, 390 हो जाओ, 400 गड्ढे, इतने गड्ढे एक बीघे में आपके हो जाओ। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने एक औसतन उत्पादन लिया, आप कई साल से बो रहे, तो एक गड्ढे से हमें कितना पर्याप्त गन्ना मिलना चाहिए कम से कम? अब देखो पर्याप्त गन्ने के लिए मैं बताऊं आपसे, हम लगाते हैं इसमें 30 से 32 आंख। सिंगल आंख नहीं, डबल। अच्छा। सिंगल की मैं भैया देखो किसी से कहने का नहीं, सिंगल में है रिस्क। अच्छा, रिस्क है। हाँ, 2 आंख की काछी लगाओ। अच्छा जी। और 15 से 16 काछी लगा लो, तो मतलब 30-32 आंख, 30-32 आंख होगी। उसमें से जो जर्मिनेशन होगा करीब करीब 25-26-24 इस तरीके से गन्ने आपके पास मिल जाओगे। ठीक है। और आपके करीब करीब कम से कम भी कीड़े वीड़े से भी खराब होगी या कैसे भी होगी। हाँ जी। सपोज करो 20 ही गन्ने आपके पास, स्वस्थ गन्ने 20 हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली एक गन्ने का वजन 2 किलो, 1.5 से 2 किलो आराम से होता है औसतन। औसतन 40 किलो।
हाँ जी 20 गन्नों का वजन हो गया, गड्ढे से आपको 40 किलो मिल गया, 35 मिल गया, 30 किलो भी मिल गया, तो भी उत्पादन 28 इंची से या ट्रेंच से बहुत ऊपर हो जाता है। ऊपर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं बात करूंगा, जैसे गड्ढे की चौड़ाई कितनी रखनी हमें? गड्ढे की चौड़ाई जो है वो जो डिगर है उसकी चौड़ाई है 2.5 फीट। अच्छा, उसमें 2 फीट वाला भी आवे, 3 फीट वाला भी आवे। अच्छा, जो सही है वो 2.5 फीट की चौड़ाई वाला हो, डायमीटर जो है उसका 2.5 फीट वाला हो, वो सबसे ठीक है जी। तो हाँ, जैसे ये खतौली का श्री शिव शक्ति वालों का था आपका, हाँ जी, वो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो तो भाइयों, अगर किसी को ये बनवाना हो तो शिव शक्ति वालों का है, मैं उनका नंबर भी नीचे, इंडस्ट्रीज है वो, आदिल है लड़का, बढ़िया, तो उसका भाई का नंबर दे दूंगा, वहां से आप वो खरीद लो, कोई दिक्कत। अब भैया मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे ये मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ कोई इसमें मिट्टी नहीं चढ़वा रखी खेत, हाँ जी, ये बिल्कुल लेबल हो गया, तो गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए जो मतलब गन्ना हमारा सही तो जमा हुआ जाए और मिट्टी बिना हमें चढ़ानी पड़े? देखो, गड्ढा जो ट्रैक्टर करेगा शुरू में जो करेगा वो करेगा 2.5 फीट गहरा, कर दिया 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ही गहरा करेगा, कर दिया, और उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी डलेगी पहले तो, जब नाली बनाओगे और गोबर का खाद भी डलेगा जी, तो उसका नॉर्मली जो मतलब जब हम बुआई के लिए उसे तैयार करेंगे उसकी करीब 1.25 से 1.5 फीट गहराई हो जाओगी, मतलब उसे जब उसमें खाद वगैरह डाल लोगे, हाँ, जब बिल्कुल बुने के लिए तैयार होगा हमारा गड्ढा, अच्छा, कच्ची रखने के लिए, तो 1.25 से 1.5 फीट गहरा रह रहा है वो, उसमें आप कच्ची रख दो जी, गन्ने के टुकड़े रख दो और उस पर थोड़ी थोड़ी बस इतनी सी मिट्टी डाल दो जी, और उसमें पानी चला दो, और फिर इसकी आपस में नाली भी मिलानी पड़ेगी, हाँ, नाली तो मिलानी पड़ेगी, पानी ऐसी तो चले, तो मतलब शुरुआत में ज्यादा मेहनत है, बुआई में मेहनत है, देखो हाँ, मैं कहने लगू कोई भाई नया बोना चाहे तो शुरू में ही ज्यादा पैमाने पर ना बोगा, 10-20 गड्ढे बोगे, 10-20-50 गड्ढे या 1-2 बीघा ऐसा बोलेगा, हाँ जी हाँ जी। तो भैया एक जानकारी मैं और लेना चाहूंगा, जैसा आपने ये बात बड़ी अच्छी बताई कि इतनी गहराई पे वो गड्ढा तैयार होगा, इतना हमें ध्यान रखना, बिल्कुल। अब गड्ढा तैयार करते हुए बहुत भाई ये कहना है कि गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए, उसमें जो है ज्यादातर में फंगस आ जाओ, अच्छा, तो आपकी क्या राय है? तो देखो, अपने अपने सब किसान तजर्बे बताओगा, जिसको अच्छा, जितना एक्सपीरियंस हुआ वो उस हिसाब से बताओगा जी। हम तो जैसा करेंगे, गड्ढा करने के बाद तैयार होगा उसमें गोबर की सड़ी खाद घेरेंगे, गिल्ली मिल जाओ, सड़ी मिल जाओ, कैसी मिल जाओ, ट्राइकोडर्मा मिला यार वो डाल दिया उसमें, ठीक, तो खाद गोबर के खाद से ही मिट्टी में जो है ताकत बनेगी, डाई यूरिया भी जब ही काम करेंगे जब मिट्टी में जान होगी। तो प्रति गड्ढा कितना खाद प्रयुक्त रहेगा? बस 2 किलो। अच्छा, 2 किलो, 2 किलो 1.5 किलो ऐसा, मतलब छोटी तसली एक भाई, इतना सही, बहुत छोटी सी तसली, हाँ हाँ है ना, हाँ बस बस इतना, या बड़ा तसले में ना, दो तीन बड़े तसले में मतलब 3 गड्ढे या 4 गड्ढे इस तरीके से हो जाओ, तो ये करके धीरे 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 अपना बुआई शुरू कर दो। अब बुआई में जैसे खाद वगैरह जो डालना, थोड़ा सा ये भी बता दो, नॉर्मल खाद है मतलब जैसा हम नॉर्मल गन्ने में डाल लें, डलेगा तो वही, लेकिन थोड़ा डलेगा, जो खाद हम मतलब 1 एकड़ में डाल रहे 5 बीघे में जी, उसे आप इसमें जो है 7-8 बीघे में डाल लो। अच्छा, मतलब चुरेट सी लगा, बस थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा डाई ली, अच्छा, तो जो भी आपको डालना वो अपना तैयार करो। तो जैसा आप बुआई पे लगा रहे हो, जैसे गन्ने की कंडीशन है, गगड़ा रहा है, अच्छा लग रहा, काफी बड़ा खेत है, पूरा ही बड़ा सुंदर लग रहा, तो थोड़ा सा किसान भाइयों को ये भी बता दो कि जैसे हमने शुरुआत में ये खाद डाला तो कितनी मात्रा में और कौन सा खाद डाला जो आप यूज कर रहे? जब देखो बुआई में तो हमने तो जी DAP डाला जी, पोटाश डाला, ठीक है, और एक इसमें कीटनाशक ले लिया था। प्रति एकड़ क्या मात्रा रखी? प्रति एकड़ 25 किलो DAP डाला जी, बस प्रति एकड़, हाँ, 5 बीघे में 5 बीघे में 25 किलो बहुत हो गया डीएपी और पोटास भी इतना ही, पोटास भी मतलब 20-25 किलो ही पोटास बस इतना ही डाला, मतलब आपके हिसाब से पूरे हेक्टेयर में 1 कट्टा बस 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 सब चीज का मिला के, सब चीज का मिला, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कीटनाशक में क्या रखा? कीटनाशक में एक खलीफा के नाम से आ गए जी, अच्छा, बायोसिग्नेचर कंपनी की है, ठीक है, तो हम तो बुआई में वही डाल रहे हैं जी, तो उसका रिजल्ट ठीक है, बेहतरीन, जमीन संबंधित जो भी कीड़ा है वो खत्म, पानी देती है, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी भैया ने, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस वीडियो से बहुत ही अच्छा लाभ लेंगे, और भैया ने जो है इतनी गर्मी में बहुत ही हमारा साथ दिया, भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में भाइयों कौन कौन से बीज हैं, कब की बुआई है वो भी बताएंगे, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।